हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई डिश के साथ। ये है मद्रास क्यूकम्बर, मैंगलोरियन क्यूकम्बर भी कहते हैं। तो हम आज इसकी सब्जी बनाएंगे, ठीक है? तो आप तैयार हो जाइए। पहले आपको दो मीडियम साइज़ के आपको लेने होंगे, दो मद्रास क्यूकम्बर। फिर आपको नॉर्मली इसमें गीला खोबरा पड़ता है, लेकिन मेरे पास गीला खोबरा अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि लॉकडाउन है तो काफ़ी सारी चीज़ें अनअवेलेबल है, तो मैंने इसमें सूखा खोबरा उसको भून लिया है और उसको ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा, एक मुट्ठी, आप एक मुट्ठी से कम, इतना इतना थोड़ा सा। आपको इमली लेना है, उसको आपको भिगा के रखना है तड़के के लिए, और उसका पेस्ट बनाने के लिए आप लेंगे धनिया, ज़ीरा एक एक चम्मच, 5-6 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और फेनुग्रीक मेथी दाना, और ये है गुड़। ये मैंने जो गुड़ है, गुड़ पाउडर लिया है, इसको पानी में डालकर रखा है। अभी हमें देखिए क्या करना है। हमें हमें कुकर लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर डालना है, ठीक है? देखिए इस तरह से आपको छोटे छोटे कट करके इसमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, इसे अच्छे से निचोड़ के हमें इसमें डालना है, और गुड़ का पानी। ये हमने इमली का पानी डाला, ये हमने गुड़ का पानी डाला। अब इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, इसमें ऐड होंगे हमारे मसाले, आधा टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा। इसको हम कुकर को ढक के एक सीटी लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। देखिए इस तरह से हमने रख दिया इसे पकने। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें हम अपने सारे जो हमने मसाले लिए थे, जीरा है, मेथी है, धनिया है, लाल मिर्च है, ये सब डाल के इसे भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस कुकर ये मिक्सर लेंगे और उसके अंदर जो है हमारा भुना हुआ बारीक जो पीसा हुआ सूखा खोबरा है वो डालेंगे, और जो हमारे मसाले हमने जो भुने हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए ये हमारा जो है एक सीटी हो चुकी है कुकर को, हमने इसे खोला है। अब इसमें हम ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है, और जितना टेस्ट के हिसाब से एक चम्मच हम नमक डालेंगे और ये मसाला इसमें डाल देंगे। देखिए दोबारा से हमने चढ़ा दिया है, एक दो सीटी हम और लेंगे, ठीक है? हरी भाजी रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे राई, ज़ीरा, एक सूखी मिर्च और थोड़ा करी पत्ते का छोंक। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। आंच को थोड़ा तेज करेंगे। ये हो गया हमारा तैयार मद्रास क्यूकम्बर की सब्जी। बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है, सेम अपने भाजी जैसे, रेगुलर भाजी जैसी नहीं होती है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तब तक के अलविदा।